नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे आज के व्लॉग में। कैसे आप सभी लोग? आज है 27 तारीख और अभी बज रहे हैं शाम के 6 और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है तैयार होने के लिए। मैं जा रही हूँ एक अवार्ड शो में। आप सभी लोगों को मालूम होगा, अपने सोशल मीडिया पे मैंने शेयर किया था कि HT 30 Under 30 के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है म्यूज़िक कैटेगरी में, और आप सभी लोगों से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे वोट करिए, और आप सभी लोगों ने बिल्कुल विद इन फ्यू आवर्स आप लोगों ने मुझे जिता दिया, तो उसी का अवार्ड लेने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए मैं आज का पूरा दिन फिल्म करूँ। मैं इतनी जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ना, बाद में मैं जब एडिट करने के लिए बैठूँगी तो मुझे लगा कि अरे मैं इतनी रेलगाड़ी के जैसे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत जल्दी मैं हूँ और गाड़ी आधे घंटे में आने वाली है। आधे घंटे में मुझे साड़ी पहन के पूरा रेडी होना है। तो चलिए आप सभी लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं तैयार हो रही हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं हेयर कर्लिंग से। तो मेरा मशीन जो मैंने हाल फिलहाल में ख़रीदा था, हाल फिलहाल नहीं, एक साल होने वाले हैं, लेकिन मैं बहुत कम यूज़ की हूँ, तो आज उसका यूज़ करते हैं। मैंने कुछ कुछ तो किया है, ऊपर ऊपर से थोड़े बहुत स्ट्रैंड्स को कर्ल कर लिए, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। अब इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, अब जाके कपड़े वपड़े सेलेक्ट करती हूँ। कौन से इन में से ये पहनूँ क्या? बिल्कुल भी समय नहीं और बच रहा है, 6:30 बज गए, पापा नीचे पहुंच गए। अरे इसमें आए, वाह रे वाह, नाइस। क्या ही कर रही हूँ मैं, समझ ही नहीं आ रहा मुझे, कुछ भी नहीं आ रहा समझ। ठीक लग रही हूँ? नहीं हो चुकी हूँ मैं रेडी, आप जल्दी से नीचे पहुँचती हूँ। पापा भी गुस्सा ही करेंगे मेरे पे। पापा ही तो गुस्सा नहीं करते हैं, उसी का तो नजर फायदा उठाती है तू। हेलो, क्या हुआ? हाँ आ रही हूँ, आ रही हूँ बस। अच्छी लग रही हूँ? झक्कास, एयरिंग चेंज करने की जरूरत तो नहीं है ना? ठीक है ना? नो नो नो, बेटी बहुत सूट कर रहा है बेटी। ओ माय गॉड, चलो यार मेरे को नीचे तक छोड़ा हूँ, बोल तो नहीं रहे। मैं सच्ची में अच्छी लग रही हूँ ना आज? आज बहुत सारे लोग, तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे वेन्यू पे। Rahija Developers presents HT Series 30 Under 30. Can we have the AVP? जितने मेरे खास तौर से बड़े हैं उन सब की इजाजत चाहता हूँ। थर्टी
30, as you know, is an international format. So of course the team HD City huddled and figured out, tried to figure out what could be the USP and why would our 30 under 30 be any different. The jury to get confused about who to choose as the 30 winners out of the 90, and I gave them that challenge and I said, even if one jury person in the meeting tells you that they've had a hard time deciding, our job would have been done. And along with the app, participants are thanked Rahej and HTCD, I would like to thank all my relatives for voting for me. That's why I'm here. And but and the winner is winner of HTCD. That is incredible. Okay, you know what, sir? I got something. I was pretty close because this is something that I drew. Oh my god. Wow. Namaskar, Amitabh. It's an honor to be here and be with all you wonderful people. The winner of the HT City 30 under 30 for music category is Maithili Thakur. She has recorded original songs, covers, and sung traditional folk music in multiple languages. Mentally, can we have a few words from you, please? Namaste, kaise aap sabhi log? Thank you so much, Raheja Groups and HT City. For giving me this award, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. इतने सारे known faces यहाँ पे हैं, बढ़िया बढ़िया लोग यहाँ पे बैठे हैं. मुझे जिनसे award मिल रहा है वो सारे लोग मेरे इन्हें फेवरेट लोग यहाँ पर हैं. मुझे काफी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं आई हूँ तो मैं दो लाइन जरूर सुनाना चाहूंगी. हाँ वही केसरिया award too. And to announce that, we would request founder Rizon Luxury Silverware, Ms. Kalyani Chawla, to please. बहुत बहुत मुबारक हो आपको पहले तो. Thank you so much. अब हम लोग का वीडियो वाइट होगा. ST City 30 under 30 red carpet. I'm joined by this young talent who's been mesmerizing all of us with her voice. Maithili, congratulations. Thank you so much. मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं इन लोगों के बीच में बैठी हूँ जो जिन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ और उसके बीच में मुझे अवार्ड मिला और मेरे फेवरेट आर्टिस्ट लोगों ने मुझे अवार्ड दिया. बहुत 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 अच्छा फील हो रहा है. बहुत सारे लोग आप दे लुक अप टू आपको देखते हैं और आपसे सीखने की कोशिश करते हैं. आप किसको देखते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं? मैं सबसे सीखने की कोशिश करती हूँ. इवन हाउ अ पर्सन शुड बिहेव, मैं हर चीज़ बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करती हूँ. सबसे जिनसे मिलती हूँ सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. ओके, दैट्स वंडरफुल. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑलराइट, इधर आ जाओ. बहुत ज्यादा ठंडी है गाइस इधर. मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ आजकल. इफ यू डू नॉट फॉलो मैथिली एवरी डे एंड ड्रॉप अ हार्ट ऑन हर सोशल मीडिया, यू आर डूइंग इट रॉन्ग. गो एंड डू इट एवरी डे. अब तो सर ने भी बोल दिया है. सर फोटो कॉम्प्लीमेंट. And feels like it. A big hand for Rohit.
मैंने इतने सारे वीडियोस बनाए, सबके अच्छे अच्छे, और मेरा मेरे पापा ने ऐसा बनाया वीडियो जिसे मैं दिख ही नहीं रही. मैं व्लॉग बना रही हूँ. अच्छा बोलो. कंग्रेचुलेशन. मैं आपकी, मतलब मैं आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करती हूँ इस मामले, मतलब आपके प्रोफेशन ही नहीं, मतलब आप जो सोशल वैल्यूज आप जो प्रमोट करते हैं उसको लेकर के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके. मुझे भी. थैंक यू. वाह क्या बढ़िया दिन है आज, इतने सारे फेवरेट लोगों से मेरा मिलना हुआ. और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए. बहुत ही भूख लग गई वाकई में, और बहुत ज्यादा ठंड है अंदर, एसी बहुत ज्यादा. मैं निकल रही हूँ यहाँ से. आवर नीस वाज आल्सो लर्निंग क्लासिकल. उसने मुझे बोला कि थैंक यू ना बाबा से बताना. वीडियो बनाना चाहती हूँ. जबरदस्त ऐसे इंसान मैंने नहीं देखा कभी. अब सामने सामने खड़े हैं मेरे, नुकसान हो गए इनकी बहुत जबरदस्त. मैं मतलब चिल्ला रही थी मैं अपने सीट से बैठे बैठे की. और मुझे पहले मालूम था कि आप पहले बताने वाले सब. मुझे मौका मिला नहीं क्योंकि मेरे पास समय कम था, नहीं तो मैं आपको आपके साथ जरूर ट्राई करता. अरे लेट्स ट्राई समथिंग ना. मैं आपके एक मिनट है. बिल्कुल बिल्कुल अभी. व्हाई नॉट. हाँ अभी. ओके इस बार वीडियो में मेरी शक्ल जरूर रखिएगा. अरे कुछ होने वाला मेरे साथ. और मतलब ये मैं बहुत ज्यादा, मतलब मैं सोच रही थी कि ऐसा कभी कुछ मेरे पे एक्सपेरिमेंट होना चाहिए जो भैया कर रहे हैं. ठीक है. सो लेट्स ट्राई. ठीक है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथिली के साथ एक माइंड रीडिंग सा एक्सपेरिमेंट ट्राई करूं. एंड शी हैज सच अ स्ट्रांग माइंड. हम सबको पता है इट इज डिफिकल्ट बट आई स्टिल ट्राई. मैथिली अगर आई कैन कम क्लोज टू इट वो भी चलेगा. राइट. ओके सो मैं चाहता हूं कि आप आपके फेवरेट प्लेस के बारे में सोचेंगे. या माइंड. मैं उस जगह पे गई नहीं. आप जाना चाहती हैं. बहुत अच्छी बात है. तो आपके दिमाग में डेफिनेटली कुछ इमेजेस होंगी ना सर. आप जहाँ पे देखेंगे बहुत सुंदर मुझे जाना है. क्लोज योर आईज एंड ओनली इमेजिन कि आप वहाँ पर हैं. यू कैन सी दैट प्लेस. आई एम गोना टच योर फोरहेड एक सेकंड के लिए. आपको बस इमेजिन करना है कि आप इस प्लेस पे घूम रही हैं जो भी है ये जगह. ओके लेफ्ट राइट पर देखिए क्या है, खूबसूरत चीज़ें हैं. बूम. ओके ओपन योर आईज. मुझे ऐसा लगता है कि मैथिली अपने इमेजिनेशन में एक जगह पे थी. वो जगह है एम्स्टरडम. आपने इतने अच्छे तरीके से वाइब्रेंटली बाहर किया. आई एम श्योर सबको पता लगा होगा. नहीं दैट वाज अमेजिंग यार. ठीक है फाइन. इन्होंने कैसे कर दिया? ये देख पा रही थी कि मैं क्या देख रही हूँ. ऑफ कोर्स बट देन यस कैसे बताऊं मैं. थोड़ा मुश्किल है बता पाना लेकिन इट्स अ स्किल. आपके पास बहुत ज्यादा स्किल है तो छोटा सा ही है बट देन इट्स अ स्किल. दैट्स इट फॉर मी टू से. बट थैंक यू सो मच फॉर मैथ्री व्हाट यू डू. थैंक यू कि आप सब लोगों को, हम लोगों को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं सबकी तरफ से आपका. धन्यवाद. पीछे करते रहिए और धमाका मचाते रहिए. आ गए घर. बज रहे हैं रात के 11:30. आज भी मेरा वो स्लीपिंग पैटर्न थोड़ा डिस्टर्ब होगा क्योंकि अभी जाऊंगी तो बातचीत करते करते मम्मी को बताते बताते 1 घंटे बीत जाएंगे. और मैं वहाँ खाना तो खाई लेकिन घर का खाना नहीं खाई तो अभी भी भूख लगा है. तो अभी दोबारा खाना खाऊंगी. मस्त रहा हूँ. पता है ऐसे ऐसे लोगों से मिले ना, एक ऐसे आदमी से भी मिली जो तुम्हारे माथे पे ऐसे करके ना वो बता देंगे तुम क्या सोच रहे हो. मेरे बारे में बता दिया. सही में बात था. अरे क्या बताने के बारे में. उन्होंने पूछा कि आप अपने मन में एक जगह सोचो और वो जगह के बारे में विजुअलाइज करो. और मैंने किया और उन्होंने बता दिया कि मैं एम्स्टरडम में हूँ. एम्स्टरडम. हे भगवान इतना क्यूरेट कैसे हो सकता है. आज मैं आज रात भर ही नहीं, मतलब मुझे लग रहा है कि मैं एक हफ्ता तो सिर्फ यही सोचने वाली हूँ कि वो कैसे हो गया. चलिए मैं अपना अवार्ड दिखाती हूँ आप सभी लोगों को कैसा अवार्ड मिला मुझे. ये 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 ये
कितना सुंदर, क्या बात है क्या बात है, मैथिली ठाकुर का अवार्ड मिल गया। तो इस प्रकार मैंने बिताया अपना आज का दिन। आई होप आप सभी लोगों को भी मजा आया होगा जितना मैंने मजे किए। और कल से रिकॉर्डिंग चालू। यार अब एक बार तू ही बोल दे कि मैं सुंदर लग रही हूँ, तब ना मेरे को फिर बढ़िया बढ़िया फील होगा। हम बोल रहे हैं बोल ना, आज मैंने इतने सुंदर सुंदर लोगों को देखा ना, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है। तू भी सुंदर है।